नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसको हम आईओबी के नाम से जानते हैं। इस स्टॉक 67.20 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 0.31% का डाउन मूव दिया है। मार्केट कैप हो गई है इसकी 1,27,024 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग है इसकी 96.40%, बुक वैल्यू 14.80 है। ड्यू डेट ये स्टॉक देता नहीं, फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो ये स्टॉक 50 डीएमए के ऊपर एंड 200 डीएमए से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। पी जो है मीडियम से थोड़ी सी ऊपर है 5 ईयर्स के टाइम स्पैम पे। 1 मंथ के टाइम स्पैम पे देखें तो बिल्कुल मीडियम पे है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 100 पे इंटैक्ट है एंड रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज हुआ है। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, सबसे पहले तो हम बोलिंजर बैंड के माउथ को देखेंगे, तो बोलिंजर बैंड का माउथ हो रहा है नैरो, ठीक है, एंड अभी डिसेबल कर देते हैं। तो आज का देखें तो पहले तो करेंगे हम वॉल्यूम की बात। वॉल्यूम देखें तो आज वॉल्यूम आया है 9.55 मिलियन का, कल आया था 11.43 मिलियन का, एंड उससे पहले आया था 24.79 मिलियन का। तो वॉल्यूम यहाँ पे ड्राई हो रहा है। एंड मूव की बात करें तो आज हमें मिला है 0.31% का डाउन मूव एनएससी पे, एंड बीएससी पे 0.82% का आई थिंक डाउन मूव मिला है। तो बेसिकली स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी है एनएससी पे वो 67.20 पे दी है, एंड बीएससी पे भी 67.20 पे दी है। तो अभी के लिए वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा ड्राई हो चुका है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई 51.39 पे है अभी, एंड वीकली चार्ट एक बार एनालाइज कर लेते हैं क्योंकि अभी वीक कंप्लीट हो चुका है। तो अभी यहाँ पे देखे तो हमें स्पिनिंग टॉप देखता बनता हुआ मिल रहा है, एंड ये वाली जो रेजिस्टेंस है जस्ट अ सेकेंड 68-69 की जो रेजिस्टेंस है इसको ना काफी टाइम से क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ये यहाँ पे इसने रीच किया था 69 को 12th of February को। 12th of February के बाद इसने क्रॉस करने की कोशिश करी, यहाँ पे क्रॉस किया इसने 27 मई के एंड और जून के स्टार्टिंग का जो वीक था उसमें क्रॉस किया, बट सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद 3rd जून को इसने क्रॉस किया, 4th जून को आपको पता है क्या हुआ, डाउन मूव मिला है, तो फिर से ही सस्टेन नहीं कर पाया उस वीक में, नीचे दी इसने क्लोजिंग, एंड अभी भी इसने कोशिश करी इसको ब्रेक करने की बट नहीं कर पाया। तो बेसिकली ये जो रेजिस्टेंस है 70 की, वहां से ये रिजेक्शन लेके आ रहा है स्टॉक। तो इसने हाई जो लगाया है वो 69.40 का लगाया है इस वीक में। तो यहाँ पे मुझे स्टॉक ना कहीं ये जरूर है कि इस सपोर्ट के ऊपर है, 65.70 का जो सपोर्ट है इसके ऊपर है ये स्टॉक, बट कहीं ना कहीं मुझे सेलर्स के हाथ में ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे। तो एंट्री पॉइंट से देखो तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे दुविधाजनक लग रही है एंट्री। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो टारगेट तो हम लेके चले हैं, ये हम लेके चले हैं 21st of June के, एंड ये जो हमारे टारगेट हैं ये हम जुलाई के एंड के लेके चले हैं। और जुलाई के एंड के हम ये टारगेट किस तरह से लेके चले हैं, हमें ये जो पुराने मूव मिले हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम लेके चले हैं ये सारे टारगेट। एंड यहाँ पे 2 मंथ्स का हम लेके चले हैं टाइम, एंड 2 मंथ से अभी तो हाफ मंथ तो हो ही गया है लगभग, तो मतलब हमारे पास 1.5 महीना बचता है, 1.5 महीने के हम ये टारगेट लेके चले हैं। एंड उसको अचीव करने के लिए हमें इस टाइम पे इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं क्योंकि डाउन मूव मिला है, तो 64.83% मतलब 65% के मूव की जरूरत है। एंड नो डाउट इस स्टॉक ने दिए भी हैं उतने मूव। यहाँ पे देख लेते हैं हम कि कितने टाइम में इसने ये मूव दिया था, तो डेट रेंज लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे इसने दिया था ब्रेकआउट, एंड ब्रेकआउट के बाद इसने दिया है यहाँ तक के मूव, हमें 92% के मूव दिया है, और कितने 11 डेज में दिए हैं, 18 डेज है बट 11 बार्स है 11 ट्रेडिंग डेज में। तो यू नेवर नो कि अगर वो वाला पैटर्न ये रिपीट करता है तो हो सकता है हमें मिल भी सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो मेजर ब्रेकआउट मिला था हमें यहाँ पे मिला था, एंड उसके बाद कहाँ तक के उसने मूव दिए थे, किस दिन तक, तो इस दिन तक इसने मूव दिए थे एंड हमें 87% के मूव मिले थे। 10 बार्स है 14 डेज है, मतलब 10 ट्रेडिंग डेज में यहाँ पे मूव देखे गया था, 11 ट्रेडिंग डेज में यहाँ पे। तो अगर ये पैटर्न रिपीट करता है तो हमें जल्दी ही ये मूव देखने को हो सकता है कि मिल सकते हैं। तो अभी के लिए जो हम लेके चले हैं 21 जून तक के टारगेट, उसको अचीव करने के लिए अभी हमें 16% के मूव के आसपास की जरूरत है। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि एंट्री पॉइंट से देखें तो आरएसआई काफी अच्छे लेवल पे है, एंड बोलिंजर बैंड का जो माउथ है जो हमने स्टार्टिंग में देखा वो भी यहाँ पे नैरो होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एंड बोलिंजर बैंड का जो माउथ नैरो होता है इसका मतलब होता है ब्रेकआउट देता है। तो अभी के लिए थोड़ा सा अगर टेल्ट देखें तो ये हल्का हल्का इसके जो क्लोजिंग है वो ऊपर ही जाए जा रही है। तो आई रियली होप कि अभी थोड़ा सा हमें कुछ देखने को मिले,
इसका एक बार हम देख लेते हैं, इसका लो जो है 67 का है, इसका लो 67.20 का है। मुझे लगा कहीं ट्वीजर बॉटम तो नहीं बना है, क्योंकि अगर ट्वीजर बॉटम बनता है तो इसका मतलब है कि काफी अच्छा हमें मूव मिल सकता है, बुलिश पैटर्न बनता है वो। तो अभी के लिए आप देख लीजिए बोलिंजर बैंड का माउथ नैरो हो रहा है एंड ये ऊपर को जा रहा है, ये नीचे को आ रहा है, तो नैरो तो ऑफकोर्स उसी तरीके से होगा, बट डायरेक्शन मुझे थोड़ी सी ऊपर की लग रही है। बट एक चीज और नोटिस करने वाली है कि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो है उसके नीचे इस टाइम पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी ये ध्यान में रख के चलिएगा। और मार्केट में अभी लॉन्ग वीकेंड है, संडे सैटरडे संडे मंडे की छुट्टी है एंड ट्यूजडे को मार्केट ओपन होगी 18th को, तो मुझे लगता है कि उस चीज को थोड़ा सा लाइव मार्केट में जरूर देख के चले। अभी तो एंट्री की बात करूं तो शॉर्ट टर्म की एंट्री मेरे लिए तो बिल्कुल नो है, अगर मैं होती यहाँ पे तो मैं बिल्कुल भी एंट्री नहीं बनाती, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखूं तो मैं शायद यहाँ पे एंट्री बना लेती। एंड दूसरा, शॉर्ट टर्म के लिए मैं मार्केट में वॉल्यूम को देखूंगी एंड ये जो 3 दिन में इनमें न्यूज के बारे में चेक करूंगी, न्यूज नेस्टेक S&P 500 डाउ जोन्स ग्लोबल न्यूज इंडियन न्यूज एंड कंपनी न्यूज, ये सारी चीजें देखूंगी, उसके बाद एंट्री बनाऊंगी। यहाँ पे प्राइस बैंड देखे BSE पे तो 20% का है एंड न्यूज ऐसा कोई भी नहीं है जो इसके प्राइस के अप डाउन में किसी तरीके की मदद करेगी, तो हमारे पास सिर्फ टेक्निकल्स ही है। टेक्निकल्स के साथ साथ हमें ये लगता है कि अगर कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है तो हमें थोड़ा सा पुश मिल सकता है। तो ये अभी के लिए इतनी ही एनालिसिस है एंड बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।